डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, सभी को राम राम। देखिए, आज का जो यह वीडियो है, इसमें मैंने कुछ प्रश्न लिया है, इसमें कुछ मैंने करंट अफेयर्स का प्रश्न लिया है, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स है एज वेल एज इंडिया का भी करंट अफेयर्स है। और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो के अंत में कुछ विशेष सोचना है, कुछ विशेष सूचना आप सभी का, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। ऐसी सूचना है जिससे कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आप कहोगे वाह जी के राजस्थान। तो हमारी चैनल, हमारा जो चैनल है जी के राजस्थान, मैं आप लोगों के साथ एक नई पहल शुरू करने जा रहा हूं, उसको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आइए, फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। कह रहा है, अभी हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा पुस्तक मेरा राजस्थान लोक जीवनी की वानगी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका जो विमोचन किया है, इस पुस्तक का विमोचन किया है वह किसने किया है? तो विमोचन किया है कलराज मिश्र ने। विमोचन किसने किया है? तो विमोचन किया है बेटा इसका कलराज मिश्र ने। अच्छा, कलराज मिश्र ने इसका क्या किया है, यहां पर विमोचन किया है, राइट? कलराज मिश्र ने इसका विमोचन किया है, लेकिन मेरा राजस्थान, मेरा राजस्थान जीवनी की वानगी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यह लिखा गया बेटा क्या, गुलाब कोठारी। तो गुलाब कोठारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर्स की। दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर दिखा है, अभी हाल ही में भू वैज्ञानिकों द्वारा राजस्थान राज्य के किस स्थान पर 5,000 करोड़ का लाइमस्टोन ब्लॉक बनाया गया है? 5,000 करोड़ का लाइमस्टोन ब्लॉक कहां पर बनाया गया है? क्या पिपली में, बूंदी में, सामोदा में, या फिर तड़ावास में? क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर करेंगे गाइस। देखिए, इस सीरीज को हम लोग और शानदार, बहुत ही शानदार बनाने जा रहे हैं और एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, बस इसको मैं बता रहा हूं। फिलहाल आप इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सही आंसर हो जाता है बेटा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, क्या? तड़ावास। तो तड़ावास में शुरू किया गया है, एक इनिशिएटिव किया गया है, 5,000 करोड़ की लागत से वहां पर लाइमस्टोन ब्लॉक बनाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, में अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि राजस्थान में कितने कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जा रहे हैं, 115, 100, 120 या फिर 153? और डियर स्टूडेंट साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, 100 हायरिंग जो है केंद्र खोले जा रहे हैं, हायरिंग सेंटर खोले जा रहे हैं राजस्थान में। उसी के साथ साथ आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि राजस्थान में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जो है, जो वर्ष कार्यक्रम मनाया जाना था 150वीं, वो बढ़ाकर कब तक जारी करने का निर्णय लिया गया है? ये अशोक, हमारे जो सीएम है अशोक गहलोत, उनके द्वारा इसको एक्सपेक्ट जो है आगे इसको पोस्टपोन करके कब तक बढ़ा दिया गया है? क्या 2 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा, 31 जुलाई 2021 को मनाया जाएगा, या फिर 5 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा, या फिर मनाया जाएगा 2 अक्टूबर 2022 को? देखिए बेटा, दरअसल ऐसा है कि महात्मा गांधी की 150वीं वर्ष जो है जयंती मनाई जानी थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस क्या हुआ है कि इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, और अब जो इसकी नई डेट आई है कब आएगा, 2 अक्टूबर 2021 को। तो 2 अक्टूबर 2021 को बेटा क्या किया जाएगा, इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसका सही आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवा। कह रहा कि भारतीय संसद में राजस्थान की कुल कितनी सीटें हैं, भारतीय संसद में राजस्थान की कुल कितनी सीटें हैं, और इसका अगर हम लोग देखेंगे क्या यहां पर 35, 25, 38 या फिर 10? तो बेटा यहां पर भारतीय संसद में, पार्लियामेंट में राजस्थान की कुल सीटों का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। और आपको पता है देखिए, कुल सीट की जब बात कर रहा है तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ रहा है बेटा क्या बताइए, लोकसभा भी आएगा एज वेल एज क्या आएगा,
राज्यसभा भी आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राज्यसभा भी आएगा। अच्छा, अगर हम लोग भारतीय संसद की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो इसमें आता कौन कौन सा है? तो आप सभी को पता है बेटा, इसमें तीन लोग आते हैं। तीन लोग मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। कौन कौन करते हैं बताइए? तीन लोग कौन कौन से हैं? एक तो क्या होता है, लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा उच्च सदन और राष्ट्रपति। ये इन तीनों मिलकर ही क्या करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि राजस्थान की संसद में कुल कितनी सीट है, इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर कितना हो जाएगा बताइए? बी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लोकसभा की सीट है वो 10 है, और यहां पर जो राज्यसभा की सीट है राजस्थान में वह कितनी है भैया? अच्छा, उल्टा हो गया, देखिए। लोकसभा की जो सीट है वो 15 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 10 है। इसलिए संसद में कुल कितनी? 25 सीट है। चलते हैं निश्वन, अगले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइए। फटाफट अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे, और क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे, पांचवा के बाद छठा आना चाहिए, फिलहाल आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया है। इसका आप सही आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर, हालांकि ये वैसे तो नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गई है, तो इसको आप नंबरिंग सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर छठा है भाई, ठीक है ना। कौन सा है बेटा? तो यह क्वेश्चन नंबर छठवा है। क्वेश्चन नंबर छठा है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया 14 सितंबर को, 12 सितंबर को, 15 सितंबर को, या फिर 10 अगस्त को। देखिए, जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है बेटा कब? 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, ये सातवां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बेटा, सातवां क्वेश्चन है। कह रहा कि किस राज्य सरकार द्वारा गरिमा योजना शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा गरिमा योजना शुरू किया गया है? नई योजना है केरल उड़ीसा राजस्थान हरियाणा, और ये शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है इसका। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठवें की तरफ। क्वेश्चन नंबर आठवां आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आठवां भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अक्षय कुमार, सलमान खान, कंगना रनौत, या फिर गौरी खान? तो बेटा, ये जो लिखी गई है माई लाइफ इन डिजाइन, यह लिखी गई है गौरी खान के द्वारा। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाता है, क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहां पर 9 देखेंगे बेटा। कि हाल ही में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? क्या यहां पर राजेश खुल्लर, सुनील शेखावत, डेविस मलपास, या फिर कैमरन फोर्ड? क्वेश्चन नंबर आठवें का सही आंसर करेंगे। एक्चुअली ये नौवां है क्वेश्चन, कौन सा बेटा? तो यह क्वेश्चन नौवां हो जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नौवां हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर, अभी वर्ल्ड बैंक का जो कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, किसको? डेविस मलपास को बनाया गया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसी क्रम में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर दसवें का सही आंसर करेंगे मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर दसवें का कह रहा कि अभी वाईएसआर आसरा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या फिर राजस्थान? यह शुरू किया गया है वाईएस आसरा योजना शुरू किया गया है बेटा किसके द्वारा? और फिर से एक बार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश द्वारा यह शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया जाने वाला यह जो है वाईएसआर योजना, आसरा योजना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर यहां पर आप देखेंगे 11, हालांकि यहां पर 10 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये क्या है बेटा? बस
क्वेश्चन नंबर यह है 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अभी विश्व का वह पहला देश जिसने दूसरी बार पूरे अपने देश में लॉकडाउन लगाया है, दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है जो है, न्यू है, यूएई है, यूएसए है या फिर इजराइल है। अगर देखिए यहां पर न्यू नहीं है एक्चुअली, यहां पर क्या है, नैरोबी, ठीक है। तो अभी विश्व का वह पहला जो है देश जिसने दूसरी बार देश, देखिए अभी कोरोना वायरस के चलते ना, कोविड-19 के चलते अलग अलग देशों ने बहुत बड़े बड़े कुछ तो लगाया ही नहीं, ऐसे भी देश है जो लॉकडाउन नहीं लगाए हैं ना, और कुछ ऐसे देश है जिन्होंने बहुत ज्यादा लॉकडाउन लगाया, जैसे हमारे देश ने ना, तो भारत में बहुत ज्यादा समय तक लॉकडाउन रहा, और बहुत से ऐसे देश है जो बहुत कम समय तक, इवन जो वुहान था जहां से जो कोरोना वायरस निकला है उसने भी, हालांकि वहां की रिपोर्ट नहीं आती है, बहुत कम निकल पाती है, लेकिन वुहान में केवल 7 दिन का लॉकडाउन लगा था, केवल 7 दिन का, और हमारे यहाँ जोड़ लीजिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, ना पूरा 4 महीने का लॉकडाउन, फिर अनलॉक शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इजराइल। इजराइल ने अपने यहां दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है, और इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इजराइल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखेंगे बेटा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के लिए भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, मतलब भारत में देश का डायरेक्टर होगा क्या, अरविंद राठौर है, केवी कॉमत है, अशोक लवासा है, या तकेयो कोनिशिकी है, इसका सही आंसर बताएंगे। हाल ही में एशियाई विकास बैंक इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह कहां पर है बताइए, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में पड़ता है, ठीक है ना। और बात किया जाए अभी किसको बनाया गया है कंट्री डायरेक्टर, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या तकेयो कोनिशिकी, क्या तकेयो कोनिशिकी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका के व्हाइट हाउस में इसराइल के साथ साथ ऐसे कौन से जो देश हैं जहां पर क्या शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, सऊदी अरब व यूएई या बहरीन, बहरीन व तुर्की या फिर कुवैत व बहरीन। तो बेटा अभी जो है अमेरिका के व्हाइट हाउस में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो रहा था अरब देशों के बीच में, तो अरब देशों में सबसे पहले क्या इजराइल था, और खाड़ी देश है, और इजराइल के साथ साथ जो और देश आते हैं दो हैं, एक तो यूएई है और दूसरा कौन है, बहरीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा बताइए, यूएई और बहरीन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा है, इसको 14 कर लीजिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है, राजस्थान सरकार ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, उत्तराखंड ने, खटाखट इसका आंसर देते रहेंगे आप लोग। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्मार्ट राशन योजना शुरू की है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो बेटा ये जो शुरू किया गया है मुख्यमंत्री राशन स्मार्ट योजना, यह शुरू किया गया है पंजाब सरकार द्वारा, और इस प्रकार का जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए खटाखट सीरीज में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर क्या है कि यहां पर 15वां और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15वां और लास्ट यहां पर आप देखेंगे, कह रहा कि बैक टू विलेज, क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है, क्या यह उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से या फिर नई दिल्ली से। बैक टू विलेज ना, घर वापसी, अब तो आपको याद हो गया होगा, बैक टू विलेज मतलब घर वापसी, और घर वापसी कहां से शुरू हो रहा है आप सभी को पता है क्या, केंद्र शासित प्रदेश जो बन गया है आप पिछले साल, कौन सा बताइए, जम्मू कश्मीर, क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, क्या बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आज के ये रहे क्या, आज के रहे ये 15 क्वेश्चन, और आपके लिए अब एक विशेष सूचना। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा क्या है कि आप इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, वीडियो भी पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करेंगे, और ज्यादा अपने साथियों को हमारे चैनल जीके राजस्थान से जोड़ेंगे,
क्योंकि एक नई पहल शुरू होने जा रही है बेटा। क्या? एक नई पहल शुरू होने जा रही है। नई पहल शुरू हो जा रही है किसके द्वारा, बताइए तो जीके राजस्थान। आप सभी के लिए जीके राजस्थान की एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिसमें उस क्लास का नाम होगा एक क्लास चलेगी प्रतिदिन सुबह, एक क्लास चलेगी प्रतिदिन सुबह कितने बजे बेटा, 7 बजे चलेगी। कितने? 7 बजे चलेगी, ठीक है ना, 7 AM पर चलेगी प्रतिदिन सुबह। और इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं बता रहा हूं, प्रतिदिन सुबह 7 बजे चलेगी। और इस क्लास का नाम होगा क्या, बताइए, इस क्लास का नाम होगा संकल्प ना, संकल्प क्लास, ठीक है ना, संकल्प क्लास। इस क्लास का नाम होगा क्या, बताइए, संकल्प क्लास। बिल्कुल ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा, इस क्लास का नाम होगा क्या, संकल्प क्लास होगा। और संकल्प के साथ साथ इसमें मैं आपको वाकई बहुत सारे संकल्प दिलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे संकल्प से हम आगे क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। अच्छा, प्रश्न ये है कि कब से सुबह 7 बजे प्रतिदिन डेली कब से आएगी संकल्प क्लास, तो यह आएगी बेटा प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपकी आएगी, यह सोमवार से। कब से आएगी, तो सोमवार से। ध्यान रखिएगा सभी साथियों को अभी से शेयर कर दीजिए यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा। सोमवार से प्रतिदिन आएगी क्या आपकी संकल्प क्लास ना, सुबह 7 बजे प्रतिदिन, जिसमें आपको क्या रहेगा, इस संकल्प क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे क्या, राजस्थान का आप पढ़ेंगे क्या, करंट अफेयर्स यहां पर आप पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ राजस्थान का आपको पढ़ने को मिलेगा जीके इस संकल्प क्लास में। अच्छा, राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस जीके। अब प्रश्न ये है कि आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए कि सर आपकी ही क्लास में क्यों लूं, आपकी क्लास क्यों लूं, राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स का। तो इसलिए लीजिए क्योंकि जो संकल्प क्लास चलेगी ना सुबह सुबह, आपको ह्यूज मोटिवेशन और बहुत से पढ़ने के तरीके बताए जाएंगे और कैसे हम डिप्रेशन में ना जाए, कैसे हम आगे बढ़े, ये सब तरीके भी इस क्लास में बताए जाएंगे, संकल्प क्लास में। और राजस्थान करंट अफेयर्स जीके, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा किसके, विथ ट्रिक के साथ, किसके, ऐसी ट्रिक। अगर आपने मेरी जो है राजस्थान भूगोल की क्लासेस लिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा ऐसी ट्रिक कि आप क्वेश्चन देखेंगे और चीजें यहां पर बैठ जाएगा। जैसे कि आज मैंने 15 क्वेश्चन लिया जो, तो ये क्वेश्चन मैंने देखा, क्वेश्चन सिर्फ आंसर बता दिया। लेकिन इस संकल्प क्लास में हम पूरा उसका क्या करेंगे, उस प्रश्न का क्या करेंगे, उसका पूरा निरीक्षण करेंगे, ऑपरेशन करेंगे भाई। तो जीके राजस्थान की एक नई पहल शुरू कर दिया है जीके राजस्थान ने, आप सभी भाई बहनों के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नई पहल शुरू हो गई है राजस्थान की, प्रतिदिन सुबह 7 बजे। तो आपको इसके लिए करना होगा डियर थोड़ा सा इंतजार, और इंतजार आपको करना पड़ेगा सोमवार तक। और सोमवार तक इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए कि अपने हर साथियों को, अपने हर ग्रुप में छोड़ दीजिए इसको, इस वीडियो को भेज दीजिए, ताकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से विद कॉन्शियस ट्रिक और कुछ इमेज के द्वारा हम लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ। कब से? सोमवार से। तो आपके पास 3-4 दिन का बहुत बड़ा समय है इस वीडियो को बड़े लेवल पर पहुंचाने का और इस संकल्प क्लास को ज्वाइन करने का। आप देखने वाले हैं इस संकल्प क्लास से आप बिल्कुल संकल्पित हो जाएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ तरीका आपको बताएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, और मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।